नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24 में आपके साथ जूही शर्मा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व फरीदाबाद लोकसभा सीट से संभावित प्रत्याशी जगमंदीर सिंह लगातार पिछले काफी समय से शहर से लेकर गांव तक लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। पलवल के रायदास का गाँव में मंदीर मान का ग्रामीणों ने पगड़े व माला पहनाकर स्वागत किया। मंदीर सिंह मान ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार झुमले की सरकार है, इसने झूठे वादे और जनता को लूटने के अलावा और कोई काम नहीं किया। इस सरकार से जवान, किसान और जनता सब परेशान है। हाल तो आपने सबने देख लिया है, वहां ने सिर्फ फरीदाबाद है लूटने को, फरीदाबाद है गड्ढे में ले जाने को और फरीदाबाद में भ्रष्टाचार फैलाने को काम करो है। वहां ने फरीदाबाद के अंदर कोई विकास को काम ना करो, बस एक पुल को उद्घाटन जरूर करो, 10 साल हो गए पर वो भी अभी तक बनाना है, धरती जमीन ने इकट्ठी करने में लग रहा है। तो सरदारो, मैं भी आपको बालक हूं लग रहा हूं, मुंह मिले चक्काई और मिले टिकट, अब कहीं भ्रष्टाचारी उखाड़ फेंकना हो सरदारो, यानी जो किसानन के नहीं, जो जो आज तुमने देखेंगे मैंने में किसान बैठे हैं सरदारो, इसने पूरे जाड़े इतने, अब के तो जाड़े भी बहुत पड़े, तो पूरे जाड़े में भी कुन्ने बेचारे ने घर से बाहर रह रहे के काटे, जो इनके प्रोग्राम है जो खेती क्यारी के काम इन्हें छोड़ छोड़ के धरने पे बैठे हैं, लेकिन इनकी कभी कोई सुनवाई ना हुई, ना सुनवाई उन किसानों की हुई जो बॉर्डर पर बैठे, उनमें लट्ठी भी बज रहे हैं, उन पर गोली भी चल रही है। यू सरकार सिर्फ सरदारों झूठ और झूठ और सिर्फ झूठ की राजनीति यह या सरकार की, यानी बस कभी थारी भजवा दी, कभी दिए जलवा दी, ड्रामा करवाने को काम करो सरदारो। आज जो हमारे जो इनने राम मंदिर बनाया सरदारो, आप सभी पता हो अधूरे मंदिर की कभी वागी उद्घाटन ना हो कर, और इनने अधूरे मंदिर को उद्घाटन करो, इन धर्म की संग खिलवाड़ करो। इस सरकार ने हमारे देश के जो स्तंभ है चार शंकराचारी, चौड़ में तो कोई भी एक सरदार हो वहां ना पहुंचो, तो यहाँ सरकार में तो सिर्फ झूठ ही झूठ बोलोगे। और आज देश को नौजवान सब जान गो सरदारो, और फरीदाबाद को तो जितना बुरा हाल है वो आप पता ही है, तो यहाँ कृष्ण पाल भ्रष्टाचारी है तो कतई जड़ पे उखाड़ के फेंक दो, और आज लोकतंत्र भी खतरे में है, जो बोले वाई चुप करवा दें, वाई पे ईडी बैठा दें।